ये देखी होगी आपने वीडियो, अभी ये भेजी गई है हमें और ये कहकर भेजा गया है इसके मुतालिक कि ये किसी भी ज़ुमरे में कभी आबाद नहीं हो सकी। मतलब मुझे तो लगा था जैसे स्कूल है, वो कह रहे थे बिल्कुल स्कूल भी था ये नहीं चल सका, लाइब्रेरी भी थी नहीं चल सकी, गवर्नमेंट दफातर भी इसको बनाया गया, सरकारी दफातर जो होते हैं वो भी नहीं चल सके। अभी रिसेंटली इसको जल भाई वो कोई स्पोर्ट्स एकेडमी नहीं, क्रिकेट एकेडमी के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए दफातर बनाए गए, वो भी नहीं। मतलब मुख्तलिफ कोशिशें की गई इसको आबाद करने की लेकिन हो ही नहीं सकी आबाद। आपकी बातों से पता है क्या याद आ रहा है, डॉक्टर सेल याद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल वो भी इसी तरीके से कई चीजें बनाई गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो जो कब्रिस्तान के साथ था बिल्कुल, स्कूल भी और उसको भी हर तरह से कोशिश की गई आबाद करने की। दादा मतलब क्या लगता है कि आप जो मसला है उसको हल नहीं कर रहे, आप उसको मुख्तलिफ तरीके से जो है ना दोबारा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो लोगों को ये नहीं बता रहे होंगे कि यहाँ पर क्या मसाइल हैं और उनको कह रहे होंगे कि आप स्कूल खोल लें, आप दफातर खोल लें, लाइब्रेरी खोल लें या कोई क्लब बना लें इसको। अच्छा मैंने वीडियो पे गौर किया ना, इसके आसपास कुछ और है नहीं, नहीं, नहीं है इसकी। नहीं भाईजान, चारों तरफ ना जिसे कहते हैं ना कि कोई और आबादी हो, चलो वहाँ आबादी है यहाँ नहीं, आसपास है ही नहीं यार। अच्छा कुछ भी नहीं है। ये भी एक पुरानी हवेली जैसी है जी। कि बहुत बड़ी कोई हवेली हो, कभी जैसे पुराने दौर की नहीं होती हवेली जी, जी, जी। कुछ वैसी कंस्ट्रक्शन मुझे बहुत पुरानी लगी, और शायद दिन दिन में सफाई वफाई होती हो यहाँ पर, दादा आबादी नहीं महसूस हुई आसपास। और ये है भी मेरे ख्याल से तेसर टाउन की साइड पे, तेसर टाउन ये हाईवे से आगे। हाँ, तेसर टाउन अभी आबाद हुआ है, लेकिन ये जगह तो बड़ी पुरानी है। अच्छा मतलब उस रूट पे है शायद, अंदर से ही निकलते हैं हाईवे से तेसर टाउन चलेंगे तो पहुंच जाएंगे हम घंटे डेढ़ घंटे में, 6:30 तक लाइट है हमारे पास जी जी। तो आपको क्या लगता है सर? यार मुझे ये लगता है कि जैसे होता ना कि अखबारों में जगहों पे इश्तिहार दे दिए जाते हैं कि जी जगह है मुनासिब किराए पे, अगर आप बता दें कि यहाँ पर क्या मसाइल हैं तो मेरे ख्याल से लेने वाले एहतियात कर लें, उनके लिए तो जी जगह है मुनासिब किराए पे है यूटिलाइज करते हैं। अब जब बेचारे काम शुरू करते हैं तो बता रहे हैं कि यार वो मतलब एक तो वो नहीं होती कि बरकत ही नहीं हो काम में, आपके दिल ना करे काम करने का, तबीयतें ख़राब हों उस जगह पर जाके, जो असरात होते हैं कुछ वो लोगों ने कंप्लेन की कि कोई टिक ही नहीं सका यहाँ पर। बात मुझे अब तक जो आपने बताई है ना, अभी तक जो बता रहे हैं आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी अधूरी है, स्टोरी कुछ और ही है बिल्कुल, और बीमारी से कहीं ज़्यादा ऊपर तक है। आते कोई तो टिकता दादा, कोई चीज़ तो बन पाती, स्कूल नहीं, लाइब्रेरी नहीं, ऑफिस नहीं, क्लब नहीं, कुछ भी नहीं, आप मतलब उसको ज़ेर इस्तेमाल ला ही नहीं पा रहे उस जगह को, ऐसा हुआ क्या है वहाँ पर? मतलब मुख्तलिफ औकात में उसको अलग अलग कस्टमर्स जो भी आया वो उसको दे दिया हो कि आप ठीक है ये बना हाँ, ये बना लें हाँ, हाँ, और वो टिक नहीं पाया जी जी, किराए पे ठेके पे जिस तरह से भी। वही तो कह रहा हूँ सर, असल बात तो समझ ही नहीं आएगी ना, असल बात तो वहाँ जाने के बाद समझ आएगी कि असल में कहानी है क्या। भाई हमें भेजा गया कि जी यहाँ की आबादी नहीं हो रही और लोग यहाँ से कुछ टाइम रुकते हैं भाग जाते हैं, कोई टिक ही नहीं पाता। मैंने कहा क्या स्कूल है? नहीं जी स्कूल भी था, लाइब्रेरी भी थी, ऑफिस भी था, क्लब था, सब था, ये कुछ है नहीं। अब आसपास मतलब या तो उस एरिए में ही नहीं है आबादी शायद, या इस जगह के आसपास नहीं है। तो आपको वीडियो में नजर आई आसपास कोई आबादी? मुझे जितनी वीडियो मैंने देखी ना उसके आसपास तो मुझे कोई आबादी नजर नहीं आई। चटी इसको चोर ही बता रही है साथ, लग ऐसा रहा है यार वो इस कदर मतलब यहाँ पर ऐसी मखलूक तभी कोई काबिज हो जाती है ना जो किसी को टिकने नहीं देती, और वो अच्छे तो होते नहीं, अच्छे हों तो फिर मतलब स्कूल तो दिन में चलता होगा ना, रात में तो नहीं चलता होगा। कुछ बुरा भी होता है ना किसी के साथ, जाते नहीं है। मुझे वही लग रहा है कि पॉजिटिव नहीं है जो भी है सुहेल भाई, क्योंकि चले बाकी लाइब्रेरी भी डे टाइम में होती है, स्कूल भी डे टाइम में होता है, दिन में भी मतलब नहीं चल पा रहा है, किसी को नहीं आने दे रहे।
क्लब वगैरह समझ आता है चलो जी रात में या शाम में एक्टिव होता होगा, स्कूल लाइब्रेरी तो दिन में होते हैं ना। बिल्कुल, तो क्या दिन में भी नहीं किसी को टिकने दिया जा रहा, इससे तो ये समझ आता है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से मुशाबत है उस कहानी से। वही भाई आप बता रहे हैं कि अब तक कितने लोग आए और चले गए, वैसे ही नहीं गए होंगे ना, इन्वेस्टमेंट करने के बाद बनाने के बाद कई चीजें बनी थी साथ में उसमें भी। सर उसमें तो तौबा 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 तौबा, मतलब सुन भाई बात ये है कि ऐसी मखलूक है जो रात तो क्या दिन में भी नहीं टिकने दे रही किसी को। भाई हम लखपता गए थे वहाँ पे, देखने वाले परेशान है आज तक उन्हें याद है, हम तो चले नहीं भूले, वो भी नहीं भूले, अक्सर मिलते हैं तो बात करते हैं यार जी, हम उन्हें क्या बताएं कि क्या हुआ था वहाँ। दादा मतलब फिर एहतियात है। हाँ बिल्कुल एहतियात है। चलो बाकी जगहों पे तो ये होता है ना कि शाम के बाद नहीं जाना, मगरिब के बाद नहीं, अंधेरे में नहीं, यहाँ तो अगर दिन में नहीं कोई चीज चलने दे रहे तो क्या होगा फिर। वैसे तो आ रही है जगह को देख के, वैसे बिल्कुल पुरानी कंस्ट्रक्शन भी, बाज़ औक़ात वाक़यात इतने मंसूब कर दिए जाते हैं जो चीजें नहीं होती ना साहब भाई, वो भी बयान कर दी जाती है, जिसके मुंह में जो आता है वो बता रहा होता है कि ऐसे नहीं ऐसा हो गया। अब इतने लोगों का जाना थोड़ा सा ये मुझे डाउट लग रहा है इसके अंदर कि लोगों का जाना ये मतलब इन्वेस्टमेंट करने के बाद जाना, ये मुझे नहीं समझ आ रही बात मुझे, और मुझे हैरानगी इस बात पे हो रही है कि बल्कि थोड़ी सी समझ लें कि घबराहट सी भी महसूस हो रही है कि भाईजन दिन में नहीं टिकने दिया जा रहा, रात तो दूर की बात फिर। बिल्कुल, लाइब्रेरी स्कूल रात में नहीं चलते दादा, दिन में चलते हैं, वो तक बंद करवा नहीं चल रहे, लोग वहाँ से जा रहे हैं, क्या यार। फिर क्लब तो लड़कों का होता है ना, यंगस्टर्स का जी। तो खेल कूद ये वो उसको भी नहीं चलने दिया गया, उसमें भी टाइमिंग होती है शाम के टाइम 5 बजे के बाद और इशा तलक, प्रैक्टिस वगैरह जो फुटबॉल खेलते हैं क्रिकेट खेलते हैं उनका टाइमिंग तो यही है रात के टाइम। सही, 7:30-8 तो बज जाते होंगे उन लोगों को किट चेंज करने में जी। हाँ चलो ठीक है, ये तो समझ आता है, चलो शाम में हमने अक्सर देखा है अभी मखलूकात जाहिर होती हैं। यार स्कूल तो दिन में है, लाइब्रेरी दिन में है, हकूमती जो दफातर हैं वो भी दिन में है, टाइमिंग साहब कई मतलब ऐसे देखे कि हम दिन में भी कई जगह से वापस हुए और बड़े परेशान हालत में बाहर निकले हैं। हाँ। रात का सुना था दिन में ही हमारे साथ सब कुछ होने लग गया हो। ये कुछ जगहों पे हुआ है जी कि रात की बनिस्बत दिन में उस मखलूक ने अपनी मौजूदगी जाहिर की, हमें सबूत मिले मगरिब से, मगरिब के बाद नहीं उससे पहले ही। बिल्कुल, कुछ जगहों पे हुआ है, तो यार क्या ये जगह उन्हीं कुछ जगहों में से है, हो सकता है अरसे के बाद कुछ ऐसी एक जगह मिल जाती है, आ जाती है, मुझे भी यही लग रहा है। मतलब ऐसी जगह जो नाकाबले इस्तेमाल रही किसी भी कोशिश में, और अब कितने अरसे से बंद है, काफी अरसे से, उसके बाद कोई नहीं है। नहीं दादा मुझे लग रहा है दिन में कोई हो गया, साफ सफाई कर दी, उसके बाद नहीं, काफी टाइम से नहीं आया। पक्का था वही जा रहा है, अल्लाह खैर करे।
हम्म